Hello friends, I am Divyesh from Manotech. Today we will learn about pattern features. Pattern features में हम यहाँ के कोई भी features हम pattern कर सकते हैं। यहाँ पे extrude किया हुआ, subtract किया हुआ, हमने edge blend हो कोई भी, तो हम feature, उस feature को हम pattern कर सकते हैं। तो यहाँ पे first हम feature हमेशा यहाँ से नहीं, यहाँ से select करना होता है। ये हमारा सही तरीका है। तो यहाँ पे मैं इस फीचर को मैं ये एक्सट्रूड किया हुआ है, मैंने उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसको मैं पैटर्न करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिनियर में फर्स्ट मैं आपको लिनियर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे वेक्टर होगा हमारा ये, सिमेट्रिक में हटा देता हूँ। यहाँ पे काउंट हम ओके 5, यहाँ पे पिच डिस्टेंस हमने 30 पहले से है तो ये रखते हैं। यहाँ पे मैं शो करूंगा आपको, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे मैं अगर साइमेट्रिक लू तो ये दोनों साइड आ जाएगा इस तरह से। ओके, तो हमें यहाँ पे दूसरी डायरेक्शन में भी अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा और उसमें मैं वेक्टर एक्स एक्सिस दूंगा तो इस तरह से आ जाएगा। मैं आपको शो करूंगा अभी 2 मिनट। ओके, F4, यहाँ पर भी मैं 30 ले लेता हूँ। ये मैं साइमेट्रिक अभी हटा देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न फीचर ये पैटर्न हो जाएगा। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ तरह से। ओके, इसको मैं साइमेट्रिक भी इस तरह से कर सकता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट फीचर में मैंने सिर्फ ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया हुआ लिया, अगर हम यहाँ पे सारे लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके मैं ये सारे सिलेक्ट कर लूंगा। ये देखिए यहाँ पे भी ये सारे फीचर सिलेक्ट हो गए। देन यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूंगा। मैं थोड़ा टाइम लग सकता है, देखिए ये हो गया। ओके, तो ये कुछ इस तरह से होता है। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी। यहाँ पे ओके, तो अभी मैं यहाँ पे पैटर्न फीचर में सर्कुलर के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे लिनियर में से सर्कुलर लेआउट में हमें सर्कुलर हमें पैटर्न करना है, तो सर्कुलर यहाँ पे स्पेसिफिक वेक्टर मैं यहाँ पे इस बार जेड एक्सिस लूंगा। देन स्पेसिफाई पॉइंट हमारा का सेंटर पॉइंट होगा ये। ओके, देन यहाँ पे काउंट टेंस पेन रखेंगे हम, काउंट हमारा 10 या 5, 6। ओके, यहाँ पे हम स्पेनिंग 360 रखना, आपको राउंड शेप में चाहिए पूरा राउंड तो 360 रखेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट फीचर में मैं ये जो हमने पैटर्न फीचर में यहाँ पे किया उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो देन मैं शो करूंगा इसको, तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्रिएट कॉन्सेंट्रिक ये करूंगा, यहाँ पे भी हम काउंटेड पिच ही रखेंगे, काउंट हमारा 3, पिच डिस्टेंस 30 रखते हैं हम यहाँ पे। देन यहाँ पे अगर मैं
इसको रिजल्ट करूंगा, तो ये कुछ इस प्लेट से आउटसाइड जा रहा था, तो इसलिए मैंने, ये देखिए किस तरह से हो जाएगा ये। ओके, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं इसके काउंट कर देता हूँ 30 या 40। देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये फर्स्ट सर्कल हमारा, ये सेकंड सर्कल। ओके, तो सर्कुलर हो गया हमारा। देयर हम यहाँ पे पॉलीगन, पॉलीगन में हम फाइव साइड रखते हैं। हम यहाँ पे हमारा कर होगा जेड एक्सिस, सेंटर पॉइंट ही ले लेते हैं। सेंटर पॉइंट यहाँ पे नहीं ले सकते हम, तो ये वाला पॉइंट लेंगे हम, तो ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे काउंट हमारा 4 है, तो ये एक साइड पे 4 काउंट करेगा इस तरह से। ओके, यहाँ पे अगर मैं क्रिएट कंसोलिडेट मेंबर करूंगा, तो ये चार जैसे हमने सर्कल में किया था उसी तरह से ये बाहर की साइड भी होगा। तो ये भी बाहर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। अगर ये मेरी प्लेट बड़ी होती तो ये ठीक से पॉलीगन आ जाता। ओके, देन यहाँ पे अब बात करते हैं हम स्पाइरल की। स्पाइरल में हमें एक स्पेसिफाई प्लेन हमें लेना होगा, फर्स्ट हम जेड एक्सिस में सिलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे रेफरल वेक्टर भी ये होगा हमारा। ये राउंड हमें कितने चाहिए, मैं 3 ले लेता हूँ। ओके, तो ये इस पैटर्न फीचर को भी ऐड कर देता हूँ। करें नजर देखो, इस तरह से यहाँ पे मैंने टर्न हमें कितने चाहिए वो यहाँ पे मैं 2 सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे पिच इस तरह से हमें 30 का चाहिए, रेडियस पिच हमें 30 की चाहिए। यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ। यहाँ पे पिच अलोंग स्पाइरल, मतलब हमें ये दोनों ये डिस्टेंस यहाँ पे डालना होता है पिच अलोंग स्पाइरल में, और रेडियल रेडियल पिच में हमें ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डालना होता है। ओके, रोटेशनल एंगल भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे 30, तो ये एंगल बनेगा हमारा। कि मैं आपको शो करता हूँ, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, यहाँ पे 2
यहाँ पे 50 है, तो ये देखिए इस तरह से हेलिक्स जाएगा। ओके देन यहाँ पे हम लोग बलून के बारे में देखेंगे। बलून में मुझे यहाँ पे फीचर मुझे एवियन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये पैटर्न फीचर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट पाथ मुझे ये चाहिए, यहाँ पे आर्क लेंथ है हमें परसेंटेज में लेनी है। अगर आपको इसकी लेंथ मालूम है, लेंथ के हिसाब से आपकी चाहिए तो इसमें हम लेंथ भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आर्क लेंथ हमें परसेंटेज में लेनी है। काउंट एंड पिच यहाँ पे हम 12 ले लेता हूँ। यहाँ पे 100% काउंट एंड स्पान यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ। ये भी नहीं, ये देखिए ये मैंने 5 ले लिया, आपको शो करता हूँ। ये जो ये कर्व है उसके तब से ये पैटर्न हो जाएगा। ओके जनरल के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हमारा फीचर होगा ये, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके देन हमारा स्पेसिफिक पॉइंट वही होगा। देन मैं अब इसको एडिटर प्लान में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे भी ही सेंटर पॉइंट ही होगा। ओके देन अगर मुझे यहाँ पे कोई भी मैं किसी भी जगह अगर जनरल मतलब कहीं पर भी मैं इसको पॉइंट करूँगा तो यहाँ पे ये फीचर बन जाएगा। देखिए मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ओके देन ओके तो हम अब यहाँ पे रेफरेंस करना है हमें, तो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे पैटर्न फीचर में जो कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 30 ले लेता हूँ, यहाँ पे काउंट 4 यहाँ पे मैं एक छोटा सा सर्कल बना देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये हमारे फीचर बन गया। तो अभी मैं इसको रेफरेंस थ्रू में पैटर्न करूंगा, सिलेक्ट फिर हमारा ये होगा, सिलेक्ट पैटर्न हमारा ये होगा। देन यहाँ पे सिलेक्ट बेस स्टंट एंड मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो इस तरह से आ जाएगा। मैं इसको शो करता हूँ तो इस तरह से आ जाएगा। ओके
अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे मैं तरह से तो देखिए इसमें भी चेंजेस आ गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये रेफरेंस टूल इस तरह से होता है। के देना भी हम के तो हेलिक्स में मुझे पैटर्न फीचर करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट में फीचर ये सिलेक्ट करता हूँ एक्सट्रूड, देन यहाँ पे वेक्टर हमारा होगा ये स्पेसिफिक पॉइंट होगा हमारा ये को सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे एंगल होगा हमारा 30, काउंट में 15 दे देता हूँ, देन शो करता हूँ तो ये तरह से आ जाएगा। लेकिन इसमें ये देखिए ये सब्सट्रैक्ट हुआ नहीं आया, तो यहाँ पे मैं इस फीचर को भी हमें पैटर्न करना है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट फीचर में ये भी साथ में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोनों हो जाएंगे, देन तो रिजल्ट ये आ गया। इस तरह से हम कर सकते हैं लिस्ट ब्लॉक पे। थैंक यू, बाय बाय।